प्रदेश के शहरों के विकास के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का खाका तैयार किया गया है। इसमें यातायात सुधार, ड्रेनेज, सड़क निर्माण, धार्मिक स्थलों का विकास और जल संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए। अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण के 2400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार का प्रमुख फोकस शहरों के विकास को लेकर है। लोकसभा चुनाव के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट में शहरों के विकास के लिए किन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जा सकता है, इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बजट भाषण में घोषणा भी की जा सकती है। शहरों के विकास का जो पूरा खाका तैयार किया गया है उसमें अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण के 2400 करोड़ रुपए से अधिक लागत के प्रोजेक्ट्स हैं। जेडीए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स 65 करोड़ की लागत से इमलीवाला फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित, जंक्शन पर वाहनों के जाम के कारण सहकार मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा से रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण, इससे तिराहे पर वाहनों की लगने वाली लंबी कतार से मुक्ति मिलेगी। 95 करोड़ रुपए की लागत से जगतपुरा CBI पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित, आगरा रोड खो नागोरियान से 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड जाने के लिए रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। 86 करोड़ रुपए की लागत से सालिगमरामपुरा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित, इस प्रोजेक्ट से बीलवा के पास टोंक रोड और महल रोड के बीच आवागमन सुगम होगा। 90 करोड़ रुपए की लागत से महिंद्रा सेज के पास 250 फीट और 200 फीट सड़क पर फ्लाई ओवर का निर्माण, इस प्रोजेक्ट से सांगानेर से बगरू की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। 98 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में वंदे मातरम मार्ग पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित, 1.2 किलोमीटर लंबाई के फ्लाई ओवर के निर्माण से इस जंक्शन पर यातायात सुगम हो सकेगा। 170 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर फ्लाई ओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण, 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल से OTS चौराहा होते हुए जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित, इस 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट के सभी जंक्शनों पर यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित, इस 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड से 7 मुख्य चौराहों पर जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज और एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट्स के अलावा जेडीए की ओर से सड़क निर्माण, पर्यावरण सुधार और ड्रेनेज आदि के प्रोजेक्ट्स भी प्रस्तावित किए गए हैं। जेडीए के और कौन से प्रोजेक्ट्स, 3 करोड़ रुपए की लागत से टोंक रोड, फागी रोड के बीच 30 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी कराना प्रस्तावित, इस सड़क के निर्माण से जेडीए की नॉलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा और अन्य योजनाओं की कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़क उपलब्ध होगी। आगामी 5 सालों में 300 किलोमीटर लंबाई में सेक्टर सड़कों के निर्माण का जेडीए ने लक्ष्य रखा, 25 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर की लंबाई में सेक्टर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित, सेक्टर सड़कों के निर्माण से सटे इलाकों का नियोजित विकास हो सकेगा। बरसों से कागजों में बंद सेक्टर सड़कों के निर्माण से विभिन्न इलाकों को कनेक्टिविटी मिलेगी। 8 करोड़ रुपए की लागत से इस मानसून में जेडीए की भूमि, सड़क किनारे व अन्य स्थानों पर पौधरोपण किया जाएगा। यहाँ 9 या 10 फीट ऊंचाई के नीम या अन्य प्रजाति के पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। 40 करोड़ रुपए की लागत से जयसिंहपुरा बास जीरोता में द्रव्यवती नदी के पास 21.42 हेक्टेयर भूमि पर 40 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित करना, यह नगर वन आसपास के इलाकों के पर्यावरण के लिए संजीवनी का काम करेगा। 55 करोड़ रुपए की लागत से इकोलॉजिकल जोन लांगड़ियावास जमवा रामगढ़ में 30 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीन बेल्ट विकसित करना, 40 करोड़ रुपए की लागत से नेवटा बांध के आसपास के क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि पर जैव विविधता पार्क विकसित करना,
15 करोड़ रुपए की लागत से लोहा मंडी योजना में 4.5 हेक्टेयर भूमि पर ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित। जेडीए ने शहर की आवश्यकता के अनुसार ही विभिन्न प्रोजेक्ट और कार्य प्रस्तावित किए हैं। इनमें से कौन से प्रोजेक्ट और कार्य इसी वित्तीय वर्ष में हाथ में लिए जाएंगे, यह तो राज्य के पूर्ण बजट आने के बाद ही तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।